हाँ जी अवैस भाई बताएं। लख दी लैण थी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में, इधर आए विजिट करें और अच्छे अच्छे बॉयज देखें। ओए होए की अच्छे अच्छे बॉयज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आपका दोस्त एक नए व्लॉग के साथ हाजिर है। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो है पीसी ढाबा। तो ये पीसी ढाबा पंजाब यूनिवर्सिटी में है, तो उधर जाएंगे। यहाँ की तीन चीज़ें जो खाने के बारे में मशहूर हैं, एक ये मतलब कि हाइजेनिक होता है, और दूसरा टेस्टी होता है, मतलब घर का टेस्ट आता है, और तीसरी चीज़ वो है मतलब कि एक्सपेंसिव नहीं है, बिल्कुल चीप है। और इतना चीप खाना पूरे लाहौर में भी कहीं नहीं मिल सकता। तो आज हम अपने दोस्तों के साथ आए हैं इधर खाना वगैरह खाने। ये है अबू बकर भाई और मुबशर, और ये अवैस है। ये लड़कियों के चक्कर में घूम होता है हर वक्त, डॉक्टर सारे डॉक्टर बॉयज हैं। तो हम चेक करते हैं और खा के चेक, मतलब आपको भी बताएंगे कैसा जायका है, क्या टेस्ट होगा। और अगर आपके पास टाइम हो इधर आए विज़िट करें, और कमाल का है, मैं कहता हूँ आप याद करेंगे हमारे ब्लॉग की वजह से इस जगह को। एक दफ़ा इधर आए विज़िट करें और आप इंशाल्लाह खुश होंगे। गाइस कितने मज़े के आ रहे हैं ये देखें, माशाल्लाह। और ये तो पप्पू बच्चा लग रहा है। अगर आप कराची से ये व्लॉग देख रहे हैं तो आपको इधर आना चाहिए पंजाब में, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में। इधर आए विजिट करें और अच्छे अच्छे बॉयज देखें। ओह माय गॉड, वाओ, ओए होए की अच्छे अच्छे बॉयज। इधर का एक सिस्टम ये अच्छा है, मतलब लाइन में लगते जाएंगे बारी बारी, कोई इधर जितना भी रश हो सारे, क्योंकि स्टूडेंट होते हैं तो वो बाकायदा तरीके से लाइन में लग जाते हैं और अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। और इधर तो जब शाम के वक्त डिनर वगैरह ओपन होता है तो रश रश हो जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो आज देखते हैं मतलब क्या मेन्यू है। और दाल चावल कर लेते हैं, एक चिकन कढ़ाई कर लेते हैं, और एक दाल फ्राई, सैलड, रायता, इतना से ठीक है ना? नहीं थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तेरी कहते उठे जा बोतियां गला ना कर ज्यादा। ज्यादा क्या ज्यादा यार, जो तेरा दिल करे लगवा। और ये शलजम मटर फ्राई, एक दाल चावल, चिकन निहारी, और चिकन निहारी, रायता सलाद, आठ रोटियां और कुछ। ठीक है, तो ये एक रोटी की पर्ची है और दूसरे खाने की। ये रोटी वाली लाइन में लगेगा और ये खाने वाली में, ये लेके आ जाना है। को भूख बहुत लगी है और ये टूट पड़े हैं। हमला कर दो, हमला कर दो सारे। आमीन सुमामीन। बेवजह इन जानवरों को भी कुछ खिला दिया करो, ये कभी मांगते नहीं है लेकिन भूख इन्हें भी लगती है।
ये है जी पहला लुकमा वाइट कढ़ाई से, दूसरा लुकमा रायते से लगाना। वाह मजा आ गया, मच्छर बुत्तर जिंदाबाद। और जिंदाबाद मच्छर यार मजा ही आ गई। मच्छर ने बनाया जिंदा रहे मच्छर बुत्तर। ओए हद दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। हरामी मेरी है बड़ा दहा मनु नजर ना आवी अपनी शक्ल दूर कर। तो दोस्तों बहुत ही मजे का एक्सपीरियंस रहा है, ऐसे जैसे घर वाली फीलिंग आ रही थी, तो बहुत ही मजे का टेस्ट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब कि चीप है, इतना और कहीं आपको नहीं मिलेगा, पूरे लाहौर में नहीं मिलेगा, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी इधर पीसी ढाबा इधर आप आ सकते हैं और इन्जॉय करें लवली मील एट पंजाब यूनिवर्सिटी। आप इसके बारे में भाईजान क्या अपनी राय देंगे, क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा बताएं थोड़ा अपने लब खुशाई फरमाएं। लब खुशाई हाँ मतलब यार माशाल्लाह काफ़ी अच्छा खाना था, थोड़ा ऊंची बोले ना, काफी अच्छा खाना था इधर का, मजा आया खाने का। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और यहाँ सेल्फ सर्विस है, ये अच्छा लगता है, इससे ये होगा कि पाकिस्तान में बेरोजगारी और बढ़ जाएगी, गरीबों को रोजगार नहीं मिलेगा। लेकिन यार वाकई बहुत मजे का खाना होता है इधर का, और ना ये साफ सुथरा होता है, हाइजेनिक होता है, टेस्टी होता है, घर वाली फीलिंग आती है और चीप होता है। हाइजेनिक का तो पता नहीं है कि मैं खुद नहीं बनाता, लेकिन साफ होता है क्योंकि काफ़ी रश होता है, तो एक टाइम का खाना ये यानी कि लाइन में लग के लेना पड़ता है। नहीं वो तो कोई मसला नहीं है, जिंदगी हमने हमें लाइन में ही लगाया हुआ है वैसे। और ये अवैस भाई से आप हाँ जी अवैस भाई बताएं लख दी लैंड है। All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. यार यार थोड़ा वो यार क्या कहते हैं शॉर्ट आउट तो दे दो यार, थोड़ी वीडियो बनानी है उधर रुकना है आपने, ठीक है? मतलब कि सब्सक्राइब ये वो यो वो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जरूर शेयर करें इसको। सज्जाद भाई ने माशाल्लाह काफी बहुत मेहनत की है, तो आपने भी सपोर्ट करते रहना, इंशाल्लाह एक दिन हम तरक्की करेंगे। मैं इधर सब्सक्राइबर मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, इंशाल्लाह एक दिन हम तरक्की करेंगे, हमारा चैनल ग्रो करेगा।